पटना के गांधी घाट में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपिता को सीएम और राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि। पटना में किसानों के समर्थन में महागठबंधन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में की मानव श्रृंखला। इस दौरान महागठबंधन के कई नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। रांची में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बापू को श्रद्धांजलि। किसानों के समर्थन में महागठबंधन ने बिहार के कई जिलों में की मानव श्रृंखला। इस दौरान नेता और कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल के विरोध में सरकार पर बोला हमला। महागठबंधन की मानव श्रृंखला पर एनडीए ने बोला हमला, मानव श्रृंखला को बताया फ्लॉप। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का बड़ा फैसला, पटना सिटी बस सेवा की बेड़ा में इलेक्ट्रिक बसें भी जुड़ेंगी। इसके साथ ही पटना की सड़कों पर चलेंगी 25 इलेक्ट्रिक बसें। अरवल पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा, इस दौरान पत्रकार सम्मेलन में की शिरकत। जमशेदपुर में बीजेपी के एसटी मोर्चा ने हल्ला बोल पोल खोल के नारों के साथ हाथा चौक में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का किया गया पुतला दहन। आज हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल पोल खोल का कार्यक्रम और धरना प्रदर्शन सब हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया है। वैशाली में मानव श्रृंखला के दौरान आरजेडी नेताओं का अनोखा प्रदर्शन, पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने गले में पहनी रोटियों की माला, तो वहीं महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने बैलगाड़ी चलाया। हमारे जो किसान हैं, जो देश के किसान आज कटोरा लेकर के भीख मांगता है, जो अन्नदाता थे आज वो भिखारी बने हैं, ये भिखारी बनाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड 19 वैक्सीनेशन हुआ शुरू। इस दौरान कोरोना का पहला टीका पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी मृत्युंजय धावड़िया को लगा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मसौढ़ी के गिरिजा कुमार उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र सम्मेलन का किया गया आयोजन। मौके पर पटना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता समेत अन्य लोग हुए शामिल। मुंगेर में सीआरपीएफ ऑफिसर ने एनकाउंटर कर दो आतंकियों को किया ढेर, अब मिलेगा राष्ट्रपति अवार्ड। बेटा में एसडीआरएफ परिसर में आयोजित 12 दिवसीय ट्रेनिंग के पहले बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रहे मौजूद। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बिहारी मारवाड़ी वाले बयान पर दी सफाई। रामेश्वर उरांव ने मारवाड़ी और बिहारियों पर रांची में आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। सिवान में पुल तोड़ने के क्रम में नदी में गिरी पोकलेन मशीन, हादसे में बाल बाल बचे लोग। गोपालगंज में इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर प्रशासन ने की पूरी तैयारी, डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में और सौहार्दपूर्ण माहौल में कराया जाएगा, क्योंकि ये सभी बच्चे इंटरमीडिएट के बच्चे होते हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, उनकी उम्र काफी कम होती है। जमशेदपुर के पोटका में 3 दिवसीय महिला एवं पुरुष वर्ग के फुटबॉल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। इस दौरान मौके पर कई लोग रहे मौजूद। कैमूर के रहने वाले एक शिक्षक ने भोजपुरी में लिखी रामचरितमानस, इसके पहले भी छप चुके हैं उनके 2 उपन्यास। कैमूर की रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गुप्त सूचना के आधार पर 51 पेटी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। बाढ़ स्थित बख्तियारपुर करजान ताजपुर गंगा पुल का निर्माण कार्य अधर में लटका, वहीं पुल निर्माण कार्य में लगाए गए सारे उपकरण जंग की भेंट चढ़े। गोपालगंज के सीसई गांव में सड़क किनारे मिला अज्ञात युवक का शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मसौढ़ी के संगत पर मोहल्ला में हुआ युवक का अपहरण, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।